में प्रवीण निक्कू की वाइफ है, कृष्ण गगशीने वाला है, और जो गिंदर है कर्मा है, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इसमें राजीनामा कर ले। और हाल अभी 22 तारीख में 22/5 में बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें ग्रोंडे वाला ये रिंकू है जिसने प्रभु अस्पताल बनाया हुआ है, उसने झूठे मेडिकल बना रखे, छोटे थोड़ी थे लेकिन मेडिकल ज़्यादा बनाया गया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर धाराएं कुछ ज़्यादा लगाई गई हैं। बच्चे अभी तक घर पे भी नहीं है, पता नहीं हमें बच्चे भी कहाँ हैं हमारे, तो बच्चे भी गायब हैं हमारे। कितने समय से? ये 22 तारीख से, हाँ जी। और प्रेमपाल को कब लेके? प्रेमपाल को कल रात को 8 बजे के आसपास उठाया गया। आप इस मामले को उस केस से जोड़ कर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसी से जुड़ा है, क्योंकि हमें इस चीज के राजीनामे के लिए धमकियाँ मिली, लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। और जो धमकी कौन दे रहा है? प्रवीण है, निक्कू की वाइफ है, कृष्ण है जो गक्षिणे से है, और इसमें कर्मा है, जोगिंदर है, ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इसमें राजीनामा लेकर गया ले गया। प्रेमपाल बच्चों के बताने के मुताबिक पता लगा कि गाड़ी में लेके गए हैं बंदूक वाले। कितने बजे? 8 रात 8 बजे कल। कल रात 8? हाँ जी। तो उसके बाद आपने पता किया होगा कहाँ? हाँ जी, कल हम उसके बाद CIA 1 भी गए थे, वहाँ भी कोई पता नहीं चला कि हम रावर से किसी को नहीं उठा के लाए। तो फिर हम मधुबन थाने में भी गए थे, वहाँ भी मना कर दिया, सवेरे भी पता करा, रात भी पता करा कि हम नहीं लेके आए। तो हमें डर है कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जो प्रभु अस्पताल वाला रिंकू है, ये हमारे केस में इन्वॉल्व था, इन्होंने जमानत ले रखी। तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है आपका? हाँ जी, कोर्ट में अभी तक हमारा केस चल रहा है, और प्रेमपाल इस चीज का गवाह है, और तो हमें इस चीज का शक है कि वो गवाह है, इसलिए कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज आप किससे मिलने के लिए आए? हाँ जी, हम सारे ने परेशान हो लिए, पुलिस भी सुनाई नहीं कर रही ठीक से हमारी। कौन से चौकी थाने में गए थे आप? मधुबन थाना है हमारा। क्या कहते हैं वो? वहाँ भी हम प्रेमपाल को लेके नहीं आए। अभी मामला इसका है कि ये कहीं कुछ गलत ना हो गया इनके साथ, हम परेशान हो। मिलने पहुँचे SP सर से? SP सर जी मिल रहे हैं। हाँ जी। क्या गुहार लगाएंगे? प्रेमपाल को ढूंढने की गुहार लगाएंगे, और हमारे साथ न्याय हो ये गुहार लगाएंगे। हम औरतें हैं, बच्चे भी हमारे। आपने बताया कि बच्चों का भी पता नहीं? हाँ जी, बच्चों का भी पता नहीं है, बस सरकार से यही गुहार। जैसे आपने 22 तारीख से बिल्कुल 3 बार मैं SP ऑफिस में भी आई हूँ, 2-3 बार IG मैडम के पास भी चली गई हूँ, कल मैंने CM विंडो के पास भी लगाई एप्लीकेशन, और DC साहब के पास भी लगाई एप्लीकेशन। बच्चों का मेरे कुछ नहीं पता कि बच्चे है कहाँ। और कितने बच्चे हैं लापता? हमारे 2 बच्चे मेरे लापता है, एक इनका और एक इनका। 6 बच्चे। उम्र कितनी रही होगी? 15-16 साल के बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं। बच्चे भी लापता है, 22 तारीख से बच्चे भी लापता है, और अब कल से प्रेमपाल भी लापता है, जिनका हमें कुछ नहीं पता। घर पे हम लेडीज है, दूसरी पार्टी का प्रेशर माना जा रहा है, उनके वो दूसरी पार्टी जो है वो बोलते हैं कि उनके किसी बड़े अफसर के साथ लिंक है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी आप बार बार प्रेशर तो बोल रहे हैं, पर किसके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है ये नहीं बता रहे। नरेंद्र का मर्डर होने के बाद नरेंद्र का मर्डर हो रहा है, उसमें जो ये दूसरे हैं ना, मतलब प्रेशर कैसे बनाया जा रहा है? फोन करके बनाया जा रहा है, फोन करके भी, जैसे कि राजीनामे के लिए जा रहे हैं, रोक लेते हैं। हाँ जी, रोकने के रोक के राजीनामे के लिए रोक लेते हैं। हाँ जी, रोक लेते हैं कि राजीनामा करो। हाँ जी, राजीनामे के लिए बोला जाता है हमारे से, ये जो प्रवीण है, रिंकू की वाइफ है, कृष्ण है, और ये कर्मा है, एक जोगिंदर है, अभी आपसे बताया था, और प्रभु अस्पताल वाला जिसने हमारे केस में जमानत ले रखी। तो इनके द्वारा बार बार राजीनामे के लिए उकसाया जा रहा है, हमारे भी राजीनामा कर लो, तो घर के सारे बच्चे बड़े उठवाए जाएंगे। जिन बच्चों ने धमकी देते हैं, बच्चे हैं छोटे हैं, तो छोटे बच्चे हैं वैसे। देखा हाँ जी, जिन्होंने कल देखा, मैं छोटे बच्चे नहर पे खेल रहे थे, छोटे बच्चे, जिन्होंने हमें बताया कि कोई गाड़ी में बंदूक के साथ प्रेम अंकल को उठा के ले गए। सिविल ड्रेस में था तो नहीं कि पुलिस वाले थे या गुंडा, ये नहीं पता? नहीं, पुलिस वाले, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस वाले हैं, ये नहीं बताया उन्होंने, कहा कि बंदूक वाले थे कुछ लोग गाड़ी में घेर के लेके प्रेम अंकल ने। हाँ जी, आप चल के भाभी उसकी, तो आपने जैसे आपको सूचना मिली कि प्रेमपाल को मामला दर्ज करवाया? करवाया था मैम जी, करवाया नहीं तो हम थाने में गए थे, पता किया करने के बाद एप्लीकेशन तो हम ले खड़े हैं, अभी देंगे। तो जैसा कि बच्चों के लापता की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, कुछ हुआ कार्रवाई हमारे ऊपर, प्रेशर डाल, जो गांव में जाती है, घर से निकलो ताला लगाएंगे, हमारे को पेश करके दो, या कहे पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं। हाँ जी, हम घर का ताला लगा देंगे, बच्चे तुम पेश करो, बच्चे कहाँ से पेश करें सर, सिर्फ हम 3 लेडीज हैं घर में, पुलिस वाले पेश करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, हम तो घर में सिर्फ 3 लेडीज हैं, हमने बच्चों को कुछ नहीं पता कि बच्चे हमारे है कहाँ, बस एक ही प्रेमपाल था जो टांगों से भी दिक्कत है, जो हमारे साथ क्या दिक्कत थी, उसके टांगे तोड़ दी थी नरेंद्र पाल का, जब
मर्डर होया था तो उसके बराबर में इसका भी चोटें आई थी जिसकी जान तो बच गई थी, लेकिन जान तो बच गई मत बल्कि ये अलाचार है बहुत ही। पहली वीडियो में आपने पुलिस कर्मियों तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से नरेंद्र से जुड़ा मामला। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय पहले एक झगड़ा हुआ था दो पक्षों में, जिसमें नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी और उसी झगड़े में प्रेमपाल की जो टांगे हैं वो खत्म हो गई थी। और फिलहाल अब उसी से जुड़े मामले को जो कल की घटना हुई थी उससे जोड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि प्रेमपाल उस पूरे मामले का गवाह है, शायद इसी वजह से उसको बार बार धमकियाँ भी मिल रही थी, प्रेशर किया जा रहा था और फिर बार यही वजह हो सकती है कि उसको कल वहाँ से उठाया गया होगा। फिलहाल यही नहीं पता कि कभी उठाया किसने है, क्यों है। फिलहाल इसकी जांच जो पुलिस की टीमें हैं वो जरूर करेंगी। फिलहाल आज परिवार के लोग हैं वो SP कार्यालय में SP से मिलने पहुंचे हैं। तमाम खबरें हरियाणा की कन्नड़ से आपको दिखाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसमें प्रवीण निक्कू की वाइफ है, कृष्ण गगशीने वाला है और जोगिंदर है, कर्मा है, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इसमें राजीनामा कर ले। और हाल अभी 22 तारीख में 22 पाँच में बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें ग्रोंडे वाला ये रिंकू है जिसने प्रभु अस्पताल बनाया हुआ है उसने झूठे मेडिकल बना रखे, छोटे थोड़ी थे लेकिन मेडिकल ज़्यादा बनाया गया, जिसकी वजह से हमारे